हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गांधी जी टीज ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। और मैं एक नए ब्लॉग के साथ और नए नए मॉर्निंग के साथ, नया मॉर्निंग क्या, मॉर्निंग तो डेली होता है, पर हाँ नए मॉर्निंग ही बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी अभी का जैसा ये चल रहा है, एक दिन अगर सुबह आपका अच्छी से हो जाए वो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। चलिए कोई सैड बात नहीं करूँगी। देख सकते हैं मैं मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह हो चुका है और मैं नहा धोवा कर अब फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैं पूजा वगैरह करके और नाश्ता करूँगी। मैं तैयार हो रही हूँ। इधर तैयार क्या होना है, डेली बाल झाड़ना, सिंदूर बिंदी वगैरह। और मैं घर में रहती हूँ तो मेकअप वगैरह मुझे करना अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि एक तो लगता है कि मेकअप वेस्ट जाएगा, मेरे हिसाब से लगता है ऐसे, और दूसरा है कि मैं घर में उतना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लिप्स हो या आपका फेस हो, जो भी वो सब प्रोडक्ट ज़्यादा लगाने से ये सब हो जाता है। और ये देख सकते हैं मेरा ड्रेसिंग टेबल का मिरर गंदा हो चुका था, उसी को मैं इधर से पूरा कॉलिन से इसको साफ़ कर देती हूँ। और अभी का टाइम भी लगभग 12 बज गया है, मुझे लेट भी हो गया है। फटाफट से नाश्ता, मन करता नहीं है करना, लेकिन एसिडिटी की वजह से लगता है कि नहीं, एक रोटी भी खाकर पानी पी लूँ कम से कम। और ये फटाफट से मेरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ होगा और ये मैं तैयार हो गई। फिर अगेन मैं ऊनी कुर्ती पहनी हुई हूँ और इधर मैं पूजा वगैरह करके अब आती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता करके पानी उनी पी लूँ। काम वगैरह पूरा हो चुका है, मेड आई थी करके काम चली गई और मैं थोड़ा इधर उधर करने में ही लग गई। बेटी का भी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर और खांसी है, उसको ही करने में थोड़ा सा ये। और मैं रोटी भुजिया, दही भी था तो दही मुझे खाने का मन नहीं किया। ये दो रोटी और भुजिया लेकर बैठी हूँ कि पानी पी लूँ और जल्दी ही खाना बनाऊँगी। फटाफट से मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ। और देख सकते हैं मेरी बेटी बाहर उधर खेल रही है, मुझे अभी छत पे भी जाना है कपड़ा डालने। और मैं यहाँ पे कान का अपना खोल ली थी, क्योंकि पता नहीं बाली पहनती हूँ तो सही रहता है, अगर टॉप्स पहनूँ तो मेरे कान में ही थोड़ा सा ये हो जाता है, तो इस वजह से मुझे एक ही कान का हमेशा पहने रहना पड़ता है बाली, जो कि मैं अभी निकाल दी हूँ और देखती हूँ फिर लगा लूँगी जल्दी से, क्योंकि कान का छेद भी मेरा बहुत कम है, मोटा वाला कान का कुछ होता ही नहीं है मेरे कान में। मुझे ये करना है, से कान का बहुत पड़ा हुआ है पर हो नहीं पाता है। और ये देखिए मैं आ गई छत पे और कपड़ा वगैरह, छत पे आती हूँ तो मेरा दो काम हो जाता है, एक तो मैं कपड़ा डाल देती हूँ और दूसरा थोड़ा सा धूप भी सेक लेती हूँ, अच्छा लगता है। और ये सब छोटा छोटा बैठने वाला बनाया गया है, मैं बोल के बनवाई हूँ कि ये तो छड़ जो पिलर का रहता है वो ढक जाएगा और दूसरा चेयर वगैरह लाने का झंझट नहीं रहा, आराम से बैठ जाओ थोड़ा देर के लिए उसी पे। आओ। तो यही चिल्लाती हो ना, इसीलिए छोड़ दे। और इधर देख सकते हैं पूरा धूप, बहुत अच्छा लग रहा है धूप, और धूप खिला हुआ है, अच्छा धूप है, ठंडा भी है पर धूप भी अच्छा लग रहा है। और इधर मैं जल्दी जल्दी से इसको कर देती हूँ। इधर मैं बहुत बार मैं आलू कटर तोड़ के ले गई हूँ। और इधर है, ये है पुदीना का पत्ती, आलू का और मिर्चा, कितना सुंदर सा खिला हुआ। और ये पुदीना का पत्ती है जो कि मैं अब दिखा रही हूँ। और इधर देख सकते हैं कितना सुंदर सा फूल खिला हुआ है। और ये सामने और इधर मैं ये तोड़ लेती हूँ थोड़ा सा शाम को चूड़ा वगैरह में। इधर मैं लहसुन का पत्ता वगैरह तोड़ के
और इसको या तो आप इससे आलू का भुजिया बनाएं या चिवड़ा भूजो, बहुत टेस्टी लगता है। मैं 2-3 बार तोड़ चुकी हूँ और फिर तोड़ के ले जा रही हूँ, देखूँगी शाम को जैसा करना होगा मैं करूँगी। और ये 10 दिन या नहीं 5 दिन के बाद ही फिर अच्छे से आ जाता है पत्ता इसमें, तोड़ने से रोक के उसका ये कीजिए, वो अलग ही एक ये है। और ये देख सकते हैं कितना पत्ता मैं तोड़ चुकी हूँ। और इसको आप आलू का भुजिया बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है इसका भुजिया। और इधर आलू का जो साग साइड में दिख रहा है उससे भी मैं तोड़ के एक दिन आलू डाल के सरसों मिर्चा का बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो ये मैं तोड़ ली, अब मैं चलती हूँ नीचे। चावल भी रखती थी पहले और अद्धन चढ़ा लेती हूँ। अभी अभी सिर्फ चावल ही बनाना है क्योंकि सब्जी साग चटनी वगैरह मैं तैयार कर ली हूँ। अभी के टाइम में खासकर मुझे दाल खाने का इच्छा नहीं होता है, सब्जी चावल वगैरह ही ज़्यादातर अच्छा लगता है। बनाती हूँ दाल पर मैं खुद खाना उतना पसंद नहीं करती। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं लहसुन का पत्ता तोड़ के आया हूँ। और ये देख सकते हैं सब्जी, जैसे आलू मटर का दम है, बहुत टेस्टी बना हुआ था। और साग है, धनिया लहसुन का पत्ता का चटनी पिसी हुई हो, और आलू गोभी का भुजिया। बस इतना ही आज खाना है, ज़्यादा आज नहीं कुछ बनाई। ये मेरा साग है जो कि मिर्चा तेल से मिलाया हुआ है। बथुआ वगैरह, बथुआ और सरसों का पत्ता का साग बहुत टेस्टी लगता है, जो कि हमारे बिहार में ये फेमस है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं इधर अब अद्धन को ढक देती हूँ ताकि ये पानी गर्म होते रहे, और थोड़ी देर में धूप में बैठी क्योंकि ठंडा भी लग रहा है। और इधर मेरे बाथरूम का लाइट ऑन छूट गया था, उसी को मैं ऑफ कर इधर देख सकते। ये देखो एक गंदी लड़की, मेरी बेटी मेरा वीडियो नहीं लो। और इधर मैं आ गई बाहर और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा धूप खिला हुआ है, पैर वगैरह में धूप लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं बिछिया को सीधा कर रही हूँ और कैमरा इसी साइड में था, मुझे पता ही नहीं था। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो देखी हूँ वो भी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। और देखिए मेरे सामने फूल ये सब कितना सुंदर लग रहा है, फूल खिला खिला सब बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा धूप में लग रहा है बैठ। हम लोग में शादी के बाद बिछिया पैर में पायल ये सब पहना जाता है। पता नहीं आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या ऐसा है या नहीं, पर हम लोग क्या है एक बिछिया पहनना मस्ट है और पायल। मैं थोड़ी से पेपर पढ़ने आ गई थी और बहुत दिनों से ऑरेंज रखा हुआ था। और मेरी बेटी देखिए कैसे रो रही है, वो पूरा रो रही है, वो बहुत चीज़ रही है। अभी वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, हर छोटी छोटी बात पे चीज़ रही है। और उसको खांसी भी हो गया, उसको बोली हूँ कि तो मैं समझा रही हूँ कि ऐसे ऐसे नहीं किया जाता है, सो मैं उसी को समझा रही हूँ, बहुत जल्दी मान भी जाएगी। और वहीं मैं ऑरेंज बहुत दिनों से रखा हुआ था, मैं ये सब चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करती नहीं हूँ, पर आज सामने दिख गया है तो धूप में आके अच्छा लग रहा था खाने में, सो वहीं लेकर आ गई। और पेपर भी डेली पढ़ती हूँ, थोड़ा धूप में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, सो वहीं मैं आके पढ़ रही थी धूप में। और मेरी बेटी पूरा तंग करने में लगी हुई है, मम्मा ऐसे मम्मा वैसे। और उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा खांसी हुआ है, रात भर बहुत खांसी है। और सबसे प्रॉब्लम है कि वो ना स्वेटर पहनना चाहती है ना कुछ, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये करती है। और इधर
पेपर वगैरह थोड़ा पढ़ के फिर चावल जो चढ़ाई हूँ उसको पसा दूँगी, और फिर खाना वगैरह खिला के फिर वीडियो एडिट करना है, फिर से कोई काम है, फिर मुझे थोड़ा पढ़ाई भी करना है। यही सब करते करते मैं शाम हो जाता है, थोड़ा सा टाइम मिला तो रेस्ट करती हूँ। सो इस तरह का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।